नमस्कार। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा शुरू किए गए इस श्रृंखला आयुर्वेद आहार अमृत महोत्सव के इस सत्र में मैं डॉक्टर पूनम आचवी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि अब तक के सभी सत्रों में हमने बात की हमारे देश में जो विभिन्न राज्य या प्रांत है उन सभी राज्यों में परंपरागत तौर से जो बनाए जाने वाले व्यंजन हैं जिन्हें हम आयुर्वेद आहार के तौर पर भी जानते हैं उन आहार के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए आज के इस सत्र में हम बात करने वाले हैं ठंडाई के बारे में। ठंडाई यह वर्ड हमारे लिए सभी के लिए फेमिलियर है और हमने हमारे प्रत्येक घरों में ठंडाई बनाया और सेवन किया जाता है। ठंडाई यह जो है परंपरागत तौर से बनाए जाने वाला ग्रीष्मकालीन शीत पेयों में से एक है जिसे कि दूध बादाम मेलन सीड्स जिसे हम खरबूज के बीज भी कहते हैं गुलाब की पंखुड़िया या गुलकंद खसखस सौंफ काली मिर्च और दूध इन सभी को मिश्रण करके इससे बनाया जाता है। ठंडाई का अर्थ होता है ठंडाई यानी इसे शारदाई और सरदाई के तौर पर भी जाना जाता है। अनेक राज्यों में इसका सेवन किया जाता है लेकिन विशेष तौर से उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी लोकप्रियता जो है देखने मिलती है। ठंडाई में जो फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसके बेसिस पे इसका नामकरण किया जाता है। जैसे इसमें भी चार विभिन्न किस्में बहुत लोकप्रिय मानी गई है वो ऐसी है कि रोज़ ठंडाई मैंगो ठंडाई केसर बादाम ठंडाई और भांग ठंडाई। जो आम रोज़ ठंडाई होती है उसे गुलाब की पंखुड़िया और रोज़ एसेंस मिलाकर बनाया जाता है। ये फ्लेवरिंग एजेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। मैंगो ठंडाई बनाने के लिए इस ठंडाई के मिश्रण में मैंगो पल्प यानी कि आम के गूदे का भी प्रयोग किया जाता है इसलिए इसे मैंगो ठंडाई कहा जाता है। केसर बादाम ठंडाई में केसर और बादाम विशेष तौर से उपयोग किया जाता है। और भांग ठंडाई जो है इसे महाशिवरात्रि जैसे त्यौहारों पर हमारे देश में बनाया जाता है और होली जैसे त्यौहारों पर भी इसे बनाकर सेवन किया जाता है। भांग ठंडाई जो है यह भांग की पत्तियों से बनाया जाता है जिसमें कि कैनाबिनॉइड्स नाम के तत्व पाए जाते हैं और इसे डिजोल्व करने के लिए हमें होल मिल्क का उपयोग करना चाहिए जिससे कि इससे इसमें जो फैट की मात्रा होती है वह इसे डिजोल्व कर देती है। तो यह हो गया भांग ठंडाई। अब जानते हैं इसे बनाने की विधि कि किस तरह इसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक कटोरी में गर्म पानी लेकर उसमें 3 बड़े चम्मच बादाम 3 बड़े चम्मच काजू 2 बड़े चम्मच खसखस 1/4 कप तरबूज के बीज जिसे हम मगज के तौर पे भी जानते हैं 2 बड़े चम्मच सौंफ गुलाब की पंखुड़िया 1/2 चम्मच साबुत काली मिर्च इन सभी को मिश्रित करके अच्छी तरह से 2 घंटे के लिए सोख करने के लिए रख दिया जाता है। उसके पश्चात इसमें 1 कप गर्म पानी और 1/2 कप चीनी मिलाकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक पेस्ट के तौर पर बनाकर इसे हम फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं। और जब भी हमें ठंडाई बनानी होती है तब इस पेस्ट में से 4 बड़े चम्मच पेस्ट लेकर उसमें 1 कप दूध मिलाकर अच्छी तरह से इसे फेंट कर ठंडाई के तौर पर बनाया जाता है। और इसे सर्व करने के लिए आप आइस यूज़ कर सकते हैं और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ भी इसे गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं ठंडाई के सेवन से। ठंडाई बनाने में दूध का प्रयोग किया जाता है। दूध यह मधुर और शीत गुण युक्त होता है इसलिए आह्लाददायक भी कहा गया है और साथ ही साथ यह वात और पित्त दोष को भी शमन करता है। यह बहुत अच्छा रेचक भी कहा गया है और यह वीर्य को बढ़ाता है कामोत्तेजक भी कहा गया है। हमारे शरीर की जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है और फ्रैक्चर जैसी जो कंडीशंस होती है उसमें हीलिंग में भी यह बहुत हेल्प करता है। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें वाइटलाइज करने का भी काम करता है जिससे कि हम कहते हैं ऊतकों की जीवनीय शक्ति को भी यह बढ़ाता है। इस तरह से दूध बहुत ही फ़ायदेमंद कहा गया है। इसमें जो बादाम प्रयोग किया जाता है बादाम को एक हेल्थ बिल्डिंग फूड के तौर पर हम जानते हैं। यह ब्रेन के लिए उत्तम टॉनिक कहा गया है और यह हमारी जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है क्योंकि बादाम में विटामिन ई मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फाइबर बायोटीन और बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम फाइटोन्यूट्रिएंट्स विशेष रूप से फ्लेवोनॉइड्स प्लांट स्टेरॉल्स और फिनोलिक एसिड का भी यह एक बहुत समृद्ध स्रोत माना गया है। काजू इसमें जो यूज़ किया जाता है यह फॉस्फोरस विटामिन के का उत्कृष्ट स्रोत माना गया है और यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है शरीर में रक्ताल्पता नहीं होने देता शरीर में जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उनके निर्माण में भी मदद करता है और तंत्रिका तंत्र के लिए उत्तम कहा गया है और साथ ही साथ यह कैंसर जैसी बीमारियों में भी जूझने में मदद करता है। जो इसमें खसखस का उपयोग किया गया है यह एक थायमिन फोलेट सहित कई आवश्यक जो मिनरल्स कहे गए जैसे कि कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम मैंगनीज फॉस्फोरस और जिंक का भी यह एक समृद्ध स्रोत है क्योंकि खसखस में वाटर कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं।
तरबूज का बीज जिसे हम मगज़ के तौर पर भी जानते हैं, वह आवश्यक जो इसेंशियल फैटी एसिड्स कहे गए हैं, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत अच्छे स्रोत माना गया है। इसमें जो हमने गुलाब की पंखुड़ियों का यूज़ किया है, यह शुक्रल कहे गए हैं, ग्राही, दीपनीय कहे गए हैं, हृदय यानी कि हृदय के लिए हितकारी, वर्ण्य यानी कि हमारे शरीर के रंग को निखारने वाला, और शीतल होने के कारण दाहहर और पित्तशामक भी तौर पर कार्य करता है। यह मुंह के छाले, तृष्णा अर्थात अत्यधिक प्यास लगना आदि जैसी विकारों में भी फायदेमंद कहा गया है। इसमें जो सौंफ के बीज यूज़ किए गए हैं वह मधुर, तिक्त, पाचन में आसान और तासीर से गर्म होते हैं। वे कब्ज़, कमज़ोर पाचक अग्नि, खांसी, उल्टी और वात रोगों में भी सहायक कहे गए। इसमें एंटीबैक्टीरियल, हेपेटोप्रोटेक्टिव और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। साबुत काली मिर्च जो हमने इसमें यूज़ किया है वह स्वाद में तीखी होती है, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण और तासीर में गर्म कही गई है, इसलिए यह कफ और वात दोष को भी संतुलित करने का कार्य करती है। साथ ही साथ यह एक कामोत्तेजक की तरह भी कार्य करती है, स्वाद में सुधार लाती है, इसलिए एनोरेक्सिया या अपचन जैसी जो बीमारियाँ या भूख न लगना इस तरह के विकारों में यह बहुत फ़ायदेमंद होती है। और यह कफ रोग, कफ हर, श्वास रोग हर और हृदय रोग हर भी कही गई है। साबुत काली मिर्च इस तरह से पाचन में हमें बहुत सहायक करती है, इसलिए गर्मियों में ठंडाई का सेवन करके व्यक्ति पूरे दिन हाइड्रेटेड रह सकता है, ऊर्जावान रह सकता है और यह तनाव, चिंता आदि को भी कम करने का काम करता है और हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स कहे गए हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें भी बाहर निकालने का काम करता है। तो ठंडाई एक ठंडा अमृत पेय है जो कि पूरे शरीर को और मन को उत्कृष्ट शक्ति देता है, इसलिए आप भी इस गर्मियों के दौरान ठंडाई का सेवन करके इससे जुड़े हुए स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो यह हुई ठंडाई के बारे में जानकारी। अगले आने वाले सत्रों में हम और भी आयुर्वेद आहार के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।